चुकीची लेत मी म्हणेन विनोद खुलाच्या वतीने, कारण पाहू शकाल अगदी अखूट टप्प्याचा चेंडू हाफ ट्रॅकर आणि ती लेत बलवंत दलवीने मात्र या ठिकाणी ओळखली. पाप बलवंत दलवीने पहिल्या षटकामध्ये पूर्णपणे स्ट्रगल केला, 5 डॉट चेंडू तो खेळला होता, परंतु अखेर त्याच्या बॅटमधून मात्र या ठिकाणी धावा पाहायला मिळाला 6. कमजोर गेंद, ढीली गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए बलवंत दलवी, और यहां से आत्मविश्वास बढ़ सकता है बलवंत का. एक और लंबा हिट, ये भी जाएगी मैदान के बाहर, एक और सिक्सर. वार आणि पलटवार असा खेल मात्र सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. पाहू शकाल हा दुसरा बिगी कशा रीतीने मात्र त्या ठिकाणी या चेंडूला मात्र मिडलिंग केलं. ही सुद्धा लेंथ कुठे टप्प्याची होती आणि त्याच्यावरती सुद्धा मात्र परफेक्टली कनेक्शन पाहिलं आपण, आणि मिडविकेट सीमा मात्र सहजपणे त्या ठिकाणी क्लिअर करत असताना सलगता हा दुसरा षटकार. बायत के बॅट्समन के लिए ऑन साइड में तेज हवाएं बह रही है, और नॉर्थ एंड से गेंदबाजी करना इतना आसान होने वाला नहीं है, खासतौर पर बायत के बल्लेबाज के विरुद्ध. और उसमें इस तरह की लेंथ पर आप गेंदबाजी करोगे तो फिर आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल रहेगा. पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, दूसरी गेंद जरूर थोड़ा सा आगे रखा था लेकिन बलवंत के बिल्कुल स्लॉट में क्रॉस बैटेड शॉट खेला उन्होंने डिप मिड विकेट के ऊपर से. सिक्सर जड़ा है, लगातार 2 छक्के, दबाव में अब गेंदबाज. फिर से उड़ाया, ये तो और दूर, गगन भेदी सिक्सर, लगातार 3रा छक्का, बलवंत ऑन फायर. धावा आतापर्यंत बलवंतच्या बॅटमधून आपण पाहिल्या, आणि या ठिकाणी पहा सलगचा 3रा षटकार सेमीफायनलच्या लढतीमध्ये कुठल्या प्रमाणे प्रेशर न घेत असताना नॅचरल जो त्याचा खेळ आहे तो मात्र सध्या प्रस्थापित करतोय. आणि ठाल्यांचा खडखड आवाज, फुग्यांचा आवाज आता मात्र मैदानाच्या अगदी अवतीभोवती आपल्याला दुमदुमताना पाहायला मिळतोय. पिछले ओव्हर में काफी परेशानी में नजर आ रहे थे, गेंद ही बल्ले पर नहीं आ रही थी बलवंत के, लेकिन इस ओवर में कहानी बिल्कुल अलग है. और यही तो असली मज़ा है ALPL का. ऐसा कई मुकाबलों में हमें देखने को मिला है कि एक ओवर में गेंदबाज हावी रहे तो अगले ही ओवर में बल्लेबाजों ने पलटवार किया है. सेमीफाइनल की शुरुआत भी कुछ उसी अंदाज में हुई है, पहला ओवर पूरी तरह से गेंदबाज के पक्ष में लेकिन दूसरे ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट्स बलवंत दलवी के बल्ले से. और इसी बीच आगमन हुआ है हमारे साथी कॉमेंटेटर वॉइस ऑफ भिवंडी समीर ठाकरे का, आपका हार्दिक स्वागत है. 3 चेंडू 3 षटकार, फिर से करारा स्ट्रोक, फिर से वही दिशा और वही नतीजा, एक और सिक्सर. अजय, जर आपण लगेच युट्यूबच्या माध्यमातून जर या फटक्यांचं जर आचलन केलं तर मला असं वाटतं की एकच षटकार वारंवार रिप्ले दाखवला जातो की काय, परंतु पहा गोलंदाजाने कुठल्या प्रकारे परिवर्तन केला नाही, एकच लाईनवरती चिरूची हाताळणी केली आणि या फलंदाजाने सुद्धा मात्र एकाच दिशेनं ते फटके सजवले. यालाच म्हणतात कुठेतरी आत्ता मात्र गोलंदाजाला परिवर्तन करावं लागेल की या स्पर्धेमध्ये 6 मध्ये 6 षटकार येणार का, हा प्रश्न आता मात्र निर्माण झालेला आहे. दरम्यान संजयजी, अजून 2 षटकार जर लगावले तर संघाचे कट्टर समर्थक सन्माने सुभाषजी गोडे याचकडनं तब्बल 5,000 रुपये कॅश प्राईज दिलं जाणार आहे. इनाम तो बनता है यदि 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़ते हैं तो. बलवंत, मुझे याद आता है एक बार भादाने के मैदान पर गोरखनाथ के विरुद्ध, किरवली के विरुद्ध उन्होंने 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़े थे. यहाँ पर 4 गेंदों में 4 लगातार छक्के बलवंत के बल्ले से. आणि यानंतर किती षटकार येऊ द्या तुम्हाला, सुभाष गोडे याचकडनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक दिला जाणार आहे. हा 5वा आहे, जबरदस्त या ठिकाणी बॅटिंग, आणि हा सर्वात दूरवरचा आहे अगदी पडघा कल्याण हायवेच्या पलीकडे जाणारा हा षटकार. द
धूम मचा दी है बीच मैदान में बलवंत दलवी ने। पांच गेंदों पर लगातार पांच छक्के, यही क्रिकेट है। पिछले ओवर में पांच लगातार डॉट गेंदें खेली थी इसी बलवंत ने, लेकिन इस ओवर में कमाल करते हुए, ये भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, या तो शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है या फिर स्लॉट में गेंदबाजी हो रही है। सटीकता देखने को नहीं मिल रही है, यॉर्कर्स नदारद है, लग ही नहीं रहा है कि विनोद खुलात गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी उनकी रही है, लेकिन इस सेमीफाइनल मुकाबले में न जाने उनको क्या हो गया है। बलवंत के सामने बेबस नजर आते हुए, क्या छह गेंदों में छह लगेंगे, आइए देखते हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट, ओ हवा में है गेंद, रिकॉर्ड बना लिया बलवंत ने एएलपीएल सीजन वन में, छह गेंदों पर लगातार छह छक्के। सरपंच जगन से पार्टी लगायो फेमस झाला, उगात नाही या फलंदाजाच्या या खेळाडूच्या नावावरती गाणं बनलं होतं। बलवंत मारतो या पूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये एक षटकार कसून, आणि त्याचं मात्र उत्तर देत असताना सलगच्या सहा चेंडूवरती सहा षटकार, आणि हा विक्रम आज प्रस्थापित केलाय एएलपीएल मध्ये। टाळ्या सुद्धा एकदा बलवंत दलवीसाठी, बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम करते हुए बलवंत दलवी, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स, और सभी हालांकि ऑन साइड में छक्के जड़े उन्होंने। ये देखिए, ये विकेट पहले ओवर की अंतिम गेंद पर गिरा था, रनआउट के रूप में आउट हुए थे योगेश पाटिल। वहां पर बलवंत काफ़ी डिफेंसिव हुए थे क्योंकि चार लगातार डॉट गेंदें उससे पहले खेली थी, लेकिन जैसे ही नए गेंदबाज सामने आए विनोद खुलात पूरी तरह से बरसे, खुलात को खोल दिया उन्होंने। पहली गेंद कमजोर रही थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ हाफ ट्रैकर, उस पर पुल करते हुए छक्का जड़ा, उसके बाद लगातार स्लॉग हिटिंग, कमाल कमाल के शॉट्स खेले उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर लाइन तो ठीक ठाक रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लेंथ में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी, और यॉर्कर्स की ज़रूरत थी ऐसे सिचुएशन में। विनोद से वो अपेक्षा भी की जा रही थी, लेकिन एक भी यॉर्कर देखने को नहीं मिला। लगातार लेंथ पर रखने का प्रयास कर रहे थे और लगातार मिड विकेट के बाहर भेज रहे थे बलवंत दलवी, एक से बढ़कर एक शॉट्स, और कमाल का ये टेलीकास्ट एसके एंटरटेनमेंट का हो रही। जब पूर्णपणे पूर्ण षटक मात्र हाईलाइट मात्र दाखवलं जात आहे, जबरदस्त मात्र आपल्याला हा टेलिकास्ट पाहायला मिळतो, आणि काय जबरदस्त बॅटिंग, सहा षटकार जे ठोकले एकाच एंडला। पहिले आपण अगदी मिडविकेट आणि वाईडिश मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये आपण हे सर्व षटकार पाहिले, आणि आपण तर नक्की ज्या ठिकाणी पॉईंटचा विचार जर केला तर आत्तापर्यंत विजय केनेचे पॉईंट्स आहेत 145, आणि नक्की त्याचे मात्र पाठलाग त्याचा करत असताना